जय बाबा रामदेव जी की। आज हम आए हैं नवलगढ़ के रामदेव जी मंदिर में और यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, भव्य मेला भरता है। लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से मेला नहीं भरेगा और हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि बाबा अंदर की सब जो डेकोरेशन हो रहा है उनके बारे में बताएंगे। थोड़ी देर में जानकारी हम आपको ये भी देंगे कि किस प्रकार बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ रहा है। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को अंदर नहीं आना होगा क्योंकि राजस्थान सरकार के अनुसार कि 7 सितंबर तक मंदिरों के पट बंद रहेंगे और जो बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है हर साल, श्रद्धालु आते हैं इतने, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया। चलो हम अभी हमारे दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं राजकुमार जी, हम उनसे बात करते हैं। वो क्या कह रही है, इस बार जो बाबा रामदेव जी का मेला कोरोना काल की वजह से इतने श्रद्धालु आते थे इस बार नहीं आ पाए, तो उनके बारे में बताइए यहाँ की क्या परिस्थिति है, मेला कैसे सज रहा है, जो तैयारी अंदर से वो उनके बारे में बताइए। जय बाबा राम सबीर की। आप काफ़ी देर से देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के जो आस्था है बाबा के प्रति उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कुछ श्रद्धालु अभी आप काफ़ी देर से बाहर थे तो देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मंदिर के बाहर दो खा कर जा रहे हैं और प्रसाद चढ़ा कर जा पर दीपक भी जला कर गई है, तो लोगों की जो बाबा के प्रति जो आस्था है, जो अटूट विश्वास है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। बस इस बार कुछ ये है कि कोरोना काल के चलते जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये जो मुख्य द्वार है वो बंद है और बाकी सब कुछ आप देख पा रहे हैं कि मंदिर में सजावट का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सारा सिस्टम वैसे का वैसे ही है। बस इस बार एक ही है कि श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है कोरोना काल के चलते, और इसमें कुछ नहीं है। इस बार बस एक है कि लोगों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इस बार जो ज्योत भी प्रकट होगी वो श्रद्धालुओं के बिना होगी। जो इस बार रूप निवास पहले से जो रावल साहब की कोठी से जो घोड़े आते हैं वो भी नहीं आएंगे, हालांकि वहाँ से निशान आएंगे जो बाबा के दरबार में चढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में ही ज्योत प्रकट होगी, बाबा का प्रसाद वितरण होगा, रात को भव्य जागरण होगा, उसमें भी श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं की जाएगी। गिने चुने जो मंदिर के जो जुड़े हुए लोग हैं, पुजारी हैं, उनकी एंट्री रहेगी। काफ़ी देर से देख रहे हूँ कि श्रद्धालुओं में भी काफ़ी जो गाइडलाइन है उसकी पालना कर रहे हैं, बहुत रियर केस में भी आ रहे हैं कि अभी देख रहे हो कि पुलिस का एक भी जवान यहाँ पर तैनात नहीं है, फिर भी श्रद्धालुओं की कोई संख्या नहीं है वहाँ पर, इक्के दुक्के आ रहे हैं जो वो बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। आपने देखा, हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्टर राजकुमार जी से बात की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते थे लेकिन इस बार नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना की वजह से निरस्त कर दिया गया है मेले को, मंदिर के पट भी बंद रहेंगे जो 7 सितंबर को खुलेंगे, और आज शाम को जो बाबा रामदेव जी की जोत के साथ मेला स्टार्ट होता है वो नहीं पाएगा, लेकिन जोत जलेगी, बाबा रामदेव जी की घोड़ा नहीं आ पाएगा, लेकिन जोत निशान वहाँ से कोठी से आएगी और रामदेव जी बाबा की जोत जलेगी और शाम को भजन होगा। हम आपको शाम को आरती के दर्शन भी करवाएंगे, आप देखते रहिए एनटी न्यूज़ राजस्थान।